थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, इसमें भी वही निकालना है एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ई ओवर एच। तो ये फंक्शन दी हुई है सामने, सर ये ये कर लिया मैंने जो मैंने। आइडिया बताया ना बेटा, एक्स को गायब करा के ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर उस पर वैल्यूज फिट कर देते, तो एफ ऑफ ए प्लस एच निकल आते। सारा यही वाला चैप्टर, इस पर यही सारा कुछ होता रहेगा। फिर एफ ऑफ ए भी निकाल लिया, ए क्यूब के नीचे ए क्यूब लिखे है और टू ए स्क्वेयर के नीचे टू ए स्क्वेयर लिखे, तो ये जब माइनस करेंगे तो सब कट जाएंगे। जरूर एच कॉमन निकल आता है इसमें से, तो एच से दोनों तरफ डिवाइड करा दिया यहाँ पे। तो ये लाइट ऑन कर दीजिए बस बेटा, देखो ये अच्छे डिवाइड कर रहा चला गया। ये साइन एक्स की तरह है बिल्कुल, साइन एक्स का क्या था ना क्वेश्चन, उसमें मैंने बेटा आपको एक आइडिया बताया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब भाई यस सर ये एक फंक्शन कॉस है, एफ की जगह ये वाला एफ है ना बेटा, अगर इसकी जगह हम कॉस लिख दें कॉस एक्स बन जाएगा, यहाँ पे भी एफ की जगह कॉस लिख दे, ये बहुत खास बात है, ये किसी ने नहीं बता दिया आपको। हर बंदा कहता है फंक्शन का ये आर्गुमेंट है एक्स, एक्स की जगह ए प्लस एच लगाइए फिर एफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये फंक्शन ही कॉस है, तो ये डायरेक्ट भी लिख यस सकते हैं, सर हर एक एफ की जगह कॉस लिख देते। फिर कॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था माइनस टू साइन साइन, ये तो आपको पता ना यस सर ट्रिग्नोमेट्री में माइनस टू साइन पी यस साइन सर क्यू है ना, ये वाला यस पी सर प्लस यस की ओवर यस टू, ये पी माइनस की ओवर टू होल डिवाइड बाई एच, फिर दोनों को टू से डिवाइड करा दिया से अलग अलग, तो ये बस ये आंसर आ गया, इट इज सो सिंपल। यस सर तो नेक्स्ट देखिए ये वाला किया था आपने बेटा, नो सर ये वाला नहीं किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तीन पार्ट्स हैं, ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है, दो बातें गिवन है, ये एक स्क्वायर है, इसका पैरामीटर गिवन है कि पी के बराबर है, और एरिया जो है वो ए के बराबर है। तो यस क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सोचने की बात ये है कि हमने निकालना क्या, क्या निकालना है बताओ, ये लिखा ना पे एक्सप्रेस द पैरामीटर पी, तो पी निकालना है ना, यस सर एक्सप्रेस द यस सर पैरामीटर पी का मतलब पी निकालना है, बस ये पॉइंट है ये याद रखता है, इसका मतलब है पी की वैल्यू निकाल ली है इस तरह से कि आंसर में ए आ जाए, बस ये यस पॉइंट सर दिमाग में रखता है, तो क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हल होता जाएगा। पैरामीटर और एरिया दोनों चीजें निकालने के लिए जरूर इसकी एक साइड पता होनी चाहिए, सपोज ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो सारी साइडें ऐड कर दे तो उसका नाम पैरामीटर होता है, सम ऑफ द बाउंड्रीज को पैरामीटर कह दे, तो यहाँ पे पी इज इक्वल यस टू सर फोर ए है देखो फोर है है ना, एरिया यस सर लेंथ इनटू ब्रेड ए यस स्क्वायर आ गया। अब यस सर सोचने का वक्त आ ये है कि दो इक्वेशन में से ए गायब कराना है, कैसे गायब कराना है बताओ, किसमें से कीमत निकालनी है और किसमें रखनी है, ये बात आपने मुझे बता दी है तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बताइए। पी को ए में पुट कर देंगे, जी बेटा ई वैल्यू को ए में वन पुट में कर से देंगे ए निकाल ले या टू में से ए निकाल ले, सोच के टू बताना, में बस से ये ए रीजन भी निकालेंगे बताना चाहिए क्यों निकाल ले, टू में से ए निकालेंगे पता क्यों निकालेंगे, ए निकाले ना टू में यस सर से ये निकाले, क्योंकि यस सर पी की वैल्यू तो हमने निकालनी है, इसमें से ए नहीं निकालेंगे, अगर इसमें से ए यस निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू निकालेंगे, हमें तो पी की निकालनी, यस सर हमेशा उस इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करते जिसकी कीमत निकालनी हो, द पैरामीटर पी तो हमने निकालना है तो इसको नहीं छेड़ना यस सर बिल्कुल, या ए निकाले ना बस यहाँ रख दिया, ये आंसर है। देखो इसको कहते हैं द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ द एरिया ए अंडर रूट, ये आ गया यस सर ना बेटा। तो यस सर इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन कैसे हो रहा है, अगले क्वेश्चन में उसने कहा सर्कल आ गया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है सी इज द सर्कमफ्रेंस एंड ए इज द एरिया, दिस इज गिवन दैट एरिया एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी,
दोनों के फॉर्मूलाज आने चाहिए। एरिया सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है। तो अब आपने बताना है आर को हमने रेडियस सपोज किया, आर को गायब करा है, तो किस में से निकाल के किस में रखना है? एक मिनट सर, किस में से निकाल के किस में रखना है? सी में पुट करेंगे, ए में, ए को पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे। ए को तो निकालना है ना हमने, ए की वैल्यू उसको नहीं छेड़ना, पुट करेंगे। We don't have to disturb A. तो क्या करना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन में से सी निकालना चाहिए, 2 पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देते यार निकल आएगा, इसको होल्स या ब्रैकेट लगाते हो इसके अंदर बस उसकी वैल्यू रख देते। ये बेटा आपने याद रखना, समझ आया कुछ? यस सर। ये वाला आइडिया जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये आपने समझना है बहुत अच्छा, ये अगर आप समझेंगी तो बहुत अच्छा। मैडम ये यहाँ से जरा उसको फोन करें, स्टूडेंट उमर फारूक, अच्छा बेटा ये समझ गई हो ये बात? जी सर बिल्कुल ये समझ आ गई। जो थर्ड है ना, थर्ड रिजल्ट, ये वाला थर्ड रिजल्ट है। देखो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक क्यूब है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द बेस एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द बेस, बेस ये नीला वाला, ये मैंने बॉक्स ऐसा बनाया है, बेस बेस नीला कर दिया ताकि बच्चों को समझ आ जाए। बेस का एरिया अलग निकालना है और इसका जो पूरा क्यूब है इसका वॉल्यूम अलग निकालना। ये बॉटम का एरिया होता है ना बेटा, ये क्यूब का बॉटम है, इसका एरिया क्या होगा? अच्छा क्या होगा? A square. होगा बेटा, और तीनों लेंथ को लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम निकला, जैसे वॉल्यूम A क्यूब है ना बेटा। अब बताओ कहाँ से वैल्यू निकाल के कहाँ रख दिए? A से निकालेंगे, A वाली में से निकालेंगे, इक्वेशन 2 में से। बताओ क्यों निकालेंगे? यस सर। 2 में से क्यों निकालेंगे? क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है हम लोगों ने। जी फाइंड आउट करना है, दैट्स वेरी ग्रेट, आपको तो बहुत अच्छा समझ आ गया बेटा। बस ये बातें पता होनी चाहिए तो बस लाल हो जाता है, फिर आपको रट्टा रिल दैट्स वेरी गुड। तो बाकी तो काम सिंपल है, इस पे पता है ख्याल क्या रखते हैं, क्योंकि यहाँ ए की पावर 3 है ना ब्रैकेट में, ये जैसे yes, इसको भी पावर की शक्ल पे लिखना है, अंडर रूट को ए स्मॉल ए आ रहे हैं ना, यहाँ अंडर रूट है, और ये जो है ए को हमने एलिमिनेट करना है, x इसकी जगह x भी ले सकते थे, ए ठीक है फिलहाल, बाद में x कर देंगे, ए और ए कंफ्यूज ही हो रहा है। खैर ये वाला ए यहाँ रख देना है बस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। साथ साथ में आपको बताते जाएंगे पहले वाले क्वेश्चन कैसे हल हुए। ये देखो ये लाइन लिखी हुई है और ये बेटा कह रहे हैं f ऑफ माइनस f ऑफ 2, एक्स की जगह 2 आ गया, इसकी वैल्यू 3 है, इसका मतलब है हर एक एक्स की जगह पे ये मैंने अलग से लिखा है। अतीक देखो ये मैंने हर एक एक्स को गायब करा के ब्रैकेट लगा दिए, फिर ये यहाँ पे 2 लिखना है। अब वाह क्या बात है यार, यहाँ पे एफ ऑफ 2 की कीमत है माइनस 3 और इसको अरेंज करके लिख लिया है। हमेशा याद देखो बेटा ए और बी की वैल्यू निकालिए, 2 कॉमन है थ्रू आउट, 2 से डिवाइड करा दोगे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, नहीं डिवाइड कराओगे माइनस बी, या अब फिर माइनस 1 रख दिया इसी में जैसे फॉर्मेट है, और इसको इसकी कीमत है अब माइनस 1 की वैल्यू क्या है 0, ये 0 लगा दी। सर ये बी का वैल्यू है, अभी बी की ए और बी की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये हमें पता नहीं कॉन्स्टेंट क्वेश्चन ही है ये, find the value of a and b if these two conditions are given, ठीक है, find the values of a and b, जब ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको सॉल्व कर ले रहे, हाउ कैन वी सॉल्व 1 एंड 2, ऐड कर लेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस b और माइनस b कट जाएगा, यहाँ से 3a का ये निकल आया भाई। तुम लोगों ने फिजिक्स के बहुत से फॉर्मूलाज पढ़े हुए, s is equal to vit plus half gt square या at square, नीचे से बॉल ऊपर फेंका तो कहाँ हाइट पे पहुंचा, या मैथमेटिक्स ने उससे डिफरेंट फॉर्मूला दे दिए,
ये एक्स एसल भी टाइम है, कह रहा है ये एच एक हाइट है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। यहाँ से देखो मैंने फिगर भी बनाई है, 60 मीटर हाई जगह, यहाँ से एक स्टोन को उन्होंने नीचे फेंका है, कह रहा है एक्स सेकेंड्स के बाद हाइट एच पर था। ये बेटा लिखा हुआ है ए फंक्शन ऑफ एच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पहली बात कि ये वाला एक्स एच के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एच ऑफ एक्स लिखा हुआ, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एच व्हेन द टाइम इज एक्स, तो ये फॉर्मूला है। अब कोई बच्चा कहता है माइनस बेटा एक सेकंड के बाद कितनी हाइट पे था, एक्स इज का 1/2 है ना, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो ये लिखा हुआ है आफ्टर 1 सेकंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, ये लिखा हुआ है एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 का हद के ये मतलब नहीं है कि एच 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है एच की वैल्यू व्हेन एक्स इज 1 आफ्टर 1 सेकंड, बस बेटा ये आफ्टर, वेरी गुड, तो ये आंसर आ गया। तो जी सर ये तीन पार्ट्स इन्होंने बनाए हुए, फिर कह रहे हैं 1.5 होगा, तुम लोगों को जब आइडिया पता चल गया है ब्रैकेट लगाने वाला, या ब्रैकेट लगाओ और या एक्स की जगह पहले 1 रखो, फिर 1.5 रखो, फिर 1.7, 3 पार्ट हल हो जाएगी। बेटा देखो अब तुम मुझे ये बताओ, कोई बच्चा बताए कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बताओ व्हेन डज का मतलब आफ्टर, आफ्टर हाउ मच टाइम द स्टोन जो है जमीन पे पहुंच, बताओ सर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे कैसे यार, तुमने परगुला तो सही बताया, कैसे कर दे जी, ये जो टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा वही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। बात तो सुनो, बात तो सुनो बेटा, ये तो फार्मूला है ही नहीं ऊपर जाने वाला, वो तो फिजिक्स में होता है, जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा। यहाँ पे जो एक इसने दिया हुआ है ऊपर से नीचे आने का टाइम, और ये फार्मूला है, ये दिया हुआ है जब टाइम एक्स गुजरता है तो हाइट एच होती है, वो पूछ रहे हैं कितना टाइम गुजरेगा तो ये जमीन को टच करेगा, ये आपने बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम द स्टोन विल स्ट्राइक, बोलो सर जी, ये फार्मूला लगभग मैं इस पे एक्स की पावर 1.5 रख देनी है, 1 रख देनी है, ये सोच की बात है। अच्छा चलो अब्दुल्ला तीक बताएगा, अब्दुल्ला तीक व्हेन द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड तो उसकी हाइट कितनी होगी, 1, उमर तुम बताओ जब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, देखो फिगर देखो ना, 0, कमाल हो गई है, और तुमने कह रहा है हाइट 0 हो जाएगी, कमाल, इधर फिगर में मैंने लिखा भी है, वो स्टोन जब जमीन को टच करेगा इट विल हाइट इट्स हाइट विल बिकम इक्वल टू 0 व्हेन विल इट पुट, या एच ऑफ एक्स इज जस्ट इट इज एच, सोचना आपने ये एच है, ये सिर्फ लिखा हुआ है हाइट एच व्हेन द टाइम इज टेकन एक्स, तो जब ये जमीन पे पहुंचेगा एच विल बिकम 0, ये तो ये एच की जगह 0 रख दो, है ना, क्या ख्याल है, एच की जगह 0 रखेंगे तो टाइम निकल आएगा, ये देखो मैंने इसीलिए छुपाया हुआ था, ये देखिए इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन एच इज 0 पुटिंग एच इज इक्वल 0 इक्वेशन व्हाट वी गेट एक्स इज इक्वल टू 2, टाइम है ना जो कि इसलिए प्लस माइनस भी लिखा रहा, टाइम कैनॉट बी नेगेटिव। देखिए बेटा ये सारी जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आपके जो पहला फॉर्मूला जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे भी लिखी हुई है, तो तकरीबन याद ही कर रहे हैं और ये आइडिया जहन में रख रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, की बुक वगैरह देखो, ऑनलाइन मैंने देखा कुछ बंदों को पढ़ाते हुए ऐसा ऐसा मुश्किल मेथड लगा रहे होते हैं तो उसका जो सेंस है ख़त्म हो जाता है। मसलन ये जो दो इक्वेशंस हैं एक्स और वाई की वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ टी जब लिखते हैं एक और वेरिएबल को इन्वॉल्व करते हैं इसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, या आपकी बुक में ना पहले जब फॉर्मूला लिखे हुए वहाँ लिखा हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, पैराबोला वैसे ही होता है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री बनती है ना ऐसे करके, वो इसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो खैर ये बेटा
ये जो टी आर है, अगर एक्स और वाई की फिर से सुन लो, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। बस कह रहे हैं कि इनको रिप्रेजेंट करो एक्स वाई में, ये जैसे ये रिप्रेजेंटेड है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ऐसे आपने रिप्रेजेंट कर दी। तो बताओ बेटा क्या करना चाहिए इसको ऐसे बनाने के लिए, इन दोनों इक्वेशंस में से टी गायब करा। बेटा मैथमेटिक्स को सही लर्न करना हो ना तो ये सोचना चाहिए कि हम इस पे क्या अमल दरामद करें कि ये हो जाए, इसमें टी दिया ना बस, तो इसमें से टी गायब करा, तो जो दिल करे जो मर्जी आपका मेथड हो बस इनमें से टी गायब करा रहे। बताओ कैसे कराएंगे, मैट्रिक में पढ़ा था ना एलिमिनेशन मैथड, कि टी को एलिमिनेट कर दो तो इसमें से टी को एलिमिनेट कर दो। हाउ कैन वी एलिमिनेट, ये आसान इक्वेशन है ना, टू टी से डिवाइड करा दो, टू ए से डिवाइड करा दो, दोनों तरफ टी की वैल्यू निकल आएगी, या ब्रैकेट लगाओ इसके अंदर वाई ओवर टू ए लिख दो, ये आंसर। ये देखो मैंने करके रखा हुआ नीचे, दो इक्वेशन है जो आसान इक्वेशन है इसमें। बेटा मैंने क्या बताया, उमर क्या बताया, ये दो लेट बोलना सर जी, इसमें से टी गायब करा दे है ना। यस सर। तो हाउ कैन वी एलिमिनेट टी बेटा, द इजियर यू कैन कंसीडर द इजियर इक्वेशन, सिंपलर इक्वेशन सर जी। बोलो, 2a से डिवाइड को मानना है। हां, ये 2a से डिवाइड करा दिया, टी निकला, या ब्रैकेट लगा दी है इसके अंदर, y ओवर 2a रख दे, ये आंसर है बेटा, ये आंसर, ये बगैर टी वाली इक्वेशन है। हल करेंगे तो जरूर वो आएगा, ये तुम्हें पक्का भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। देखो स्क्वायर खोला ना, ये कट गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई की आंसर है। अच्छा अब देखो बेटा, असल असल जो बात है, ये मैंने सेकंड मेथड लिखा है, सेकंड मेथड जो है ना बेटा, ये माइंड ब्लोइंग वन लाइन मेथड है, कुछ इसमें नहीं सोचना पड़ता, दिस इज सच अ गुड मेथड। जब ये बेटा फॉर्मूला बनाया गया था शुरू शुरू में, जब ये उन्होंने क्या सोच के बनाया, ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाई है, ये क्या सोच के उन्होंने ये बनाई है, उन्होंने पता क्या किया, कि उन्होंने ये सोचा है कि अगर हम यहाँ पे एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ले लें कि राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि वाई स्क्वायर आ रहा है, ताकि वाई का अंडर रूट लेना मुमकिन हो, इसलिए ये ए था ना बेटा, इसके साथ एक ए लगाया और टी स्क्वायर लगाया, जब एक्स की कीमत राइट हैंड साइड में रखिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, फोर ए स्क्वायर टी अंडर रूट ले तो ये आ जाता है वाई। ये जब सोचा ना उन्होंने पहली दफा सोचा, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनाई, तो व्हाट दे कंसीडर के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स में क्या रखें कि दोनों साइडें इक्वल आ जाए और टी भी लाने। तो एक आइडिया मैंने आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक्स की ऐसी वैल्यू कंसिडर की कि राइट हैंड साइड बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। अब्दुल्ला आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये कहीं नहीं आपको नजर आएगा ना कोई बताएगा, सिर्फ राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू लगा दो आंसर आ जाए, फोर एक्स में एक्स की, देखो मैंने करके रखा है, दिस इज माइंड ब्लोइंग मेथड, सेकंड मेथड देखो, फोर एक्स में एक्स की वैल्यू लगा दो होल स्क्वायर बन जाएगा, वाई लगा हुआ आंसर, वन लाइन मेथड, सही है ये बेटा, कितना जबरदस्त, ये आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। असल बात ये, दिस इज द स्पिरिट के हाउ दे डेवलप दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखो, ये मैं जो लिखा है ना फर्स्ट मेथड, ये नॉलेज के लिए लिखा है, ताकि बच्चों को पता चल जाए, इसमें थीटा को एलिमिनेट करा दे, थीटा बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा हो, जैसे इसमें एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, तो थीटा को गायब कराने का एक ही मेथड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और नो अदर मेथड, कोई कीमत सीमत निकाल के लिए रख सकते हैं, बहुत मुसीबत की बात है, इनके कोएफिशिएंट्स भी अलग अलग है, ये ए है ये बी है, तो पहले ए को एक्स के नीचे ले दो, बी को वाई के नीचे ले दो, और बस स्क्वायर करके ऐड कर दो, जवाब है। वैसे भी देखो बेटा, ये देखो कह रहे हैं अगर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो, y is equal to b sin theta, तो ये निकालो, ये वो पहली कह रहा है, ये निकालो, तो how can we find out this, hint है ये, hint,
एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कब आ सकता है? जब एक्स ओवर ए का स्क्वायर करे, जब वाई ओवर बी का स्क्वायर करे। बस ये हिंट भी आपके सामने लिखा है ना। थीटा कैसे गायब हो सकता है बताओ, अब्दुल्ला बताओ थीटा कैसे गायब हो सकता है यार? सर जी डिवाइड को मानना है पहले, ए से ए, पहले स्क्वायरिंग बहुत सारे बी को इधर ले जा रहे है ना। एक ही तरीका है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो गायब होगा। बस ये इसका आंसर, ये देखो ये हल किया, डिवाइड करवाना है एक्स ओवर ए वाई ओवर बी लाना है, दोनों को स्क्वायर करके ये वन बन गया, ये देखो इट हैज बिकम वन। सच अ नाइस थिंग। अच्छा इसका भी माइंड ब्लोइंग मेथड है, वन लाइन मेथड, कि लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ कीमत निकालो। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें एक और थीटा रख दो, इसमें बीस है, बस जवाब है। ये देखो ये आपको नहीं मिलेगा कहीं, सेकंड मेथड। सर ये दूसरा मेथड है। हाँ क्या किया तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू वाई है, एक्स वाई की कीमतें लगा दी, बस खुद ही ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, जब स्क्वायर किया ना बेटा ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये रह गया वन हो गया। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। यस सर। अच्छा बेटा सीकेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर था वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो वन होती है, वन होता। हाँ बेटा इसको याद रखते हैं, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग से लिख देते हैं इसको, कि जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देते हैं। देखो भाई यहाँ मैंने हर चीज़ ना इसके ऊपर ही रखी हुई है, ये देखो यहाँ पे हर चीज़ रखी हुई है, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स लग जाता है ऐसे करके, और ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, बस इसकी थोड़ी सी शक्ल बदला दो, ये ऐसे ये फॉर्मूला मैं देखो कैसे बना रहा हूँ, इसको इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको कंट्रोल भी कर देंगे, और क्या करेंगे बताइए, इज इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे बीच में, इज इक्वल टू डाल देते इधर, इज इक्वल टू डाल देते, और वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वन प्लस, चलो ये फॉर्मूला सब सही है। वी नो दैट secant square theta is 1 plus tangent square theta, इसमें से अगर आप चाहें तो वैल्यू निकाल सकते, इसकी वैल्यू निकाल सकते बताइए, बताओ भाई किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ये देखो ये इसकी वैल्यू, हर चीज तैयार ऑटोमेटिकली, ये देखो ये निकाल देते, टेंजेंट को इधर ले आते, ये दोनों बातें निकल आई। अब मैं इसको यही दिखा दे रहा हूँ, इसको जरा और खूबसूरत कर देंगे, रंग शंग भर देंगे इसमें, और दिस हैज बिकम अ वेरी गुड एडिशन टू दिस, तो सो दैट वी नो दिस फॉर्मूला, और इसमें बस ये याद रखना है सीक्वेंस के, ये तो बेटा आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा, और माइंड ब्लोइंग मेथड के इसके लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज पुट कर देंगे। बहुत जबरदस्त, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे पढ़ रहे, मुश्किलों से काबू आए है ना, पढ़ाई हो जाती है ऐसे में। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए, इसको इसका मतलब होता है हाइपरबोलिक, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका कोई ताल्लुक ट्रिग्नोमेट्री से नहीं है, नथिंग हैव एनी कंसर्न विद ट्रिग्नोमेट्री। देखो साइन, मगर ये आप इस ये सारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाती है ई पावर एक्स, इसमें स्टूपिड बात क्या बताओ, आमतौर पर प्लस पहले आता है, इसमें माइनस पहले आता है, ये ई पावर एक्स है, ई पावर माइनस एक्स है, टाइम की वैल्यू में माइनस आता है, बस ये याद रखें, पहले माइनस आ रहे फिर प्लस आ रहे है ना, ये दो वैल्यू याद हो जाए, फिर असल बात पता है कि इसके नाम ये क्यों रखे हुए, इन फंक्शंस के नाम ये इसलिए रखे हुए कि अगर इनको डिवाइड कराओ, जैसे टेंजेंट निकालते हैं साइन हाइपरबोलिक ओवर कोसाइन टेंजेंट हाइपरबोलिक होता है, ये देखो वन ओवर साइन हाइपरबोलिक कोसेकेंट हाइपरबोलिक होता है, ये कोसेकेंट लिखा हुआ ठीक है, ये असल में कोसेकेंट का ना शॉर्टेस्ट थ्री लेटर से बनाना होता है ना, तो हम लोग सी ओ एस सी सी लिखते, तो इसलिए सी एस सी कोसेकेंट का एब्रिविएशन है,
ओ वगैरह गायब कर देते, सी एस सी कोसेकेंट एच हाइपरबोलिक, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स इसका उलट है, सेकेंट हाइपरबोलिक इसका उलट है, ये बस ये फॉर्मूला। तो बेटा अब्दुल्ला याद हो गए? यस सर जी, सर याद हो गया। अच्छा बस सिर्फ आपने बताना है साइन में बीच में क्या आना है, माइनस माइनस कॉस में प्लस, बाकी डिवाइड बता दे। शाबाश, गुड गुड गुड। देखो बेटा जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से साइन टू एक्स का तो वही है, साइन टू थीटा था ना, टू बार निकाल दो टू साइन थीटा को साइन थीटा, हाइपरबोलिक का भी वही है मगर इसके साथ से एक्स गायब हुआ है, ये भी अच्छा है, चेक होता जा रहा है। तो ये प्रूव करना है बेटा कि दोनों साइडें बराबर होती है। सीकेंट में ना जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया है, वन प्लस रेडियस स्क्वायर आता है या माइनस आ रहा है या उल्टा, ये डिफरेंट है। ये मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन वी कीप दिस ऑल फॉर्मूलाज इन माइंड, आई लेट यू नो अबाउट द टेक्निक। तो फिलहाल हम इसको प्रूव करते हैं। जो मुश्किल साइड होती है ना बेटा, तुम लोगों ने सिर्फ एक बात लर्न कर ली है, जैसे मैं आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, तो ये जो फॉर्मूला लिखे हुए ये वाला जो एक्स है ना बेटा, ये इसका आर्गुमेंट है, ये छोटा ऊपर पावर में आ रहा है। मैं आपको क्या बता रहा था, बताते बताते उल्टे चक्रों में बढ़ गए। ये एक्स है ना बेटा, एक्स ये इसके आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, ये यहाँ पे एक्स आ रहा है। अब कोई बच्चा बताए इस एक्स की जगह अगर मैं टू एक्स लगा लूँ, हर एक एक्सिस का टू एक्स लगा लूँ, इसका जवाब क्या होगा, ई पावर टू एक्स माइनस e पावर माइनस टू एक्स ओवर टू इज इक्वल टू, बताओ बोलिए, e पावर टू एक्स माइनस e पावर माइनस टू एक्स, एक्स की जगह टू एक्स आ गया ना, यहाँ पे भी टू एक्स लगा लो बस, क्या जवाब होगा, साइन हाइपरबोलिक टू एक्स। वाह 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 वा। ये बेटा राइट से लेफ्ट साइड आनी चाहिए आपको जरूर। ये देखो ये फॉर्मूला हम कर रहे हैं, ये मैंने बहुत ज्यादा ना जैसे स्किलफुल मैथमेटिक्स यूज किया हुआ, जैसे मसलन ये देखिए भाई, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म ई पावर एक्स है, ये यहाँ पे भी ई पावर एक्स है, सेकंड टर्म ई पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे भी ई पावर माइनस एक्स है, एक के बीच में प्लस है एक के बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया जी सर। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, और टू टू जर क्या होता है फोर, अगर एक टू से ये कट गया बेटा तो टू ही रह गया सिर्फ, है ना। अब अब्दुल्ला तुमने बताना है इसका जवाब क्या होगा, यहाँ टू एक्स आ रहा है, ये टू एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी टू एक्स आ रहा है। सर जी इसका जवाब आएगा टू, ये टू ही रह जाएगा ना, साइन हाइपर ये फॉर्मूला बन गया ना, पहला फॉर्मूला इसमें माइनस आ रहा है, माइनस साइन में आता है कॉस में, माइनस साइन में, साइन में आता है। पहली बात ये साइन हाइपरबोलिक है, दूसरी बात इसका आर्गुमेंट क्या है, इसका आर्गुमेंट 2x है, 2x बस याद सर जैसा मजा। ये मैंने अभी आपको समझाया इसकी ये जो e की पावर है ना बेटा, ये फंक्शन का ये वाला नंबर होता है आर्गुमेंट, बीच में माइनस आ रहा हो बीच में माइनस आ रहा हो इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक है, फिर देखते किसका साइन हाइपरबोलिक है, इसका आर्गुमेंट 2x है, 2x का हाइपरबोलिक। देखो यहाँ पे टाइम चलता रहता है, ये ग्रीन है ना, ये ग्रीन लाइन, यहाँ पे टाइम आ रहा था, आपके पास आ रहा है ये, जी सर आ रहा है, गुड। दूसरा बेटा रिजल्ट है सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली, मुश्किल साइड है हमेशा मुश्किल साइड कंसीडर कर ली होती, तो ये कंसीडर कर लिए, वन माइनस, अभी अभी मैंने आपको बताया था कोई बच्चा फॉर्मूला अगर याद ना भी हो तो याद रख सकता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स में माइनस आता है ना, और कोसाइन हाइपरबोलिक टू से टू कट जाता है, ये फॉर्मूला बेटा कोई रट्टे बट्टे की साइन कोसाइन सिर्फ याद होना चाहिए, हर फॉर्मूला याद हो जाता, ये देखो होल स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर दो दो का स्क्वायर अलग अलग कर दो, ये अगला स्टेप है, ये देखिए भाई वाह भाई वाह,
सही नजर आ रहा है या साइज बढ़ा दूं थोड़ा? सही नजर आ रहा है सर। अच्छा गुड। अच्छा बेटा दोनों होल स्क्वायर अलग अलग कर दिए, ये इसको उधर ले लो एलसीएम ले लो, है ना, ये इसका एलसीएम आ गया, ये डिनोमिनेटर वन से बन। अच्छा स्क्वायर्स खोलने की जरूरत नहीं, हर बुक में स्क्वायर खोले, जबकि ये फॉर्मूला में आता है, एट क्लास से शुरू हो जाता है ये फॉर्मूला, आता है? Yes, sir. ये तो बेटा फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में से जब माइनस करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाते हैं और टू ए बी फोर ए बी बच जाते हैं, फोर ए बी डायरेक्ट लिख रहा है फोर ए बी, ये देखो मैंने लिखा है फोर ए बी, ये ई की पावर एक्स है ना बेटा, ये एट वैल्यू है, ये ए है ना, ये बी है, ये फोर ए बी हो गया, दोनों पावर जब एड होगी ई पावर जीरो हो जाएगा, ई पावर जीरो तो वन होता है, ये रह गया। अच्छा बेटा इसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिख रहे है ना उमर? जी सर। उमर बेटा आप ये बताइए कि बीच में प्लस साइन में आता है कॉस में? सर कॉस में सर जी, कॉस में आता है, और ये उल्टा नहीं लिखा हुआ कॉस का उल्टा, ये कॉस फंक्शन तो e पावर x प्लस e पावर ओवर 2 होता है, तो 2 ओवर लिखा है, तो ये cos x का उलट नहीं है? यस सर, ये cos x का उलट है, यानी ये 1 ओवर cos हाइपरबोलिक, 1 ओवर cos हाइपरबोलिक क्या होता है? secant हाइपरबोलिक, secant हाइपरबोलिक, 1 ओवर cos हाइपरबोलिक क्या होता है? secant, ये देखो secant हाइपरबोलिक होता है, ये होता है ना? जी सर। ये देखो यार कितना सवाल, we have discussed each and every point, अतः कि मैंने आपको ये भी बताया ये cos का उलट कैसे है, ये प्लस आ रहा है और ये उल्टा लिखा हुआ है, और वन ओवर cos secant होता है, और secant का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, असल में बेटा secant हाइपरबोलिक का इसका होल स्क्वायर जो होता है फंक्शंस के ऊपर 2 डाल देते हैं, इसका मतलब वही होता है secant x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। आ रहा बेटा? जी सर। गुड बात है, इसमें प्रूव करना था कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये तो आपको आ जाएगा वैसे ही, ये तो मैंने वही वाला पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया तो ये बन गया, देखो सब बच्चे देखे गौर करें, आता है इस पे गौर करके बताओ समझ आ रहा है, एक मिनट में गौर करके बताइए।